आज दुनिया भारत का दम देख रही है। दुनिया के बड़े मुल्क के राष्ट्र अध्यक्ष आज दिल्ली में हैं और G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कल सुपर पावर अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश के दिग्गज नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। बाइडेन के साथ रक्षा समझौता हुआ, मॉरिशस के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो कल तीन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और आज चार देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलेटरल मीटिंग्स होनी है। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। यहां बाइडेन भी हैं, सुनक भी हैं, शॉल्स भी हैं, किशिदा भी हैं और मेलोनी भी हैं। इन शक्तियों के एक साथ महामंच पर आने की वजह है G20, जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत। 72 घंटे, 20 बैठक और 15 देश और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ होंगे। कल बाइडेन दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया। बाइडेन के चेहरे की मुस्कुराहट ने उनकी खुशी को जाहिर किया। बाइडेन एयरपोर्ट से निकलकर सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया, हाथ मिलाए, गले लगाया। बाइडेन का चेहरा मुस्कुराया, अभिवादन किया और फिर दोनों के बीच शुरू हुई बंद कमरे में मीटिंग। 50 मिनट से ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में दोनों दिग्गजों ने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को मजबूत और भरोसेमंद बनाने का संकल्प लिया। बाइडेन मोदी में MQ-9B खरीदने पर चर्चा हुई। भारत में GEF-414 जेट इंजन बनाने पर चर्चा हुई। परमाणु ऊर्जा सहयोग पर दोनों ने बात की। 6G और AI को लेकर दोनों दिग्गजों ने अपने विचार रखे। तकनीक और बैंकों को नया आकार देने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ से मिले। गर्मजोशी और अपनापन यहां भी वैसा ही दिखा। मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ के साथ मोदी के आत्मीय रिश्ते रहे। रणनीतिक रूप से ये भारत का अहम साझेदार है। जनहित के मुद्दों को दोनों देशों के PM ने एक दूसरे के सामने रखा। बुनियादी ढांचे, वित्त और तकनीक, संस्कृति समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ के साथ इस मुलाकात में ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए भारत की कोशिशों को बढ़ाया गया। पीएम मोदी बांग्लादेश की PM शेख हसीना से मिले। एक अच्छे पड़ोसी मुल्क के तौर पर उनका अपने घर में स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक के समय दोनों नेताओं ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा, विकास सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। बांग्लादेश के PM शेख हसीना के साथ ऐसे समय पर बैठक हुई जब रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश आपसी सहमति बनाने की कोशिश में। मॉरिशियस भारत के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश में और अमेरिका भारत के साथ अपने रक्षा समझौते और रिश्तों दोनों को भविष्य के लिहाज से मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें की, उन्हीं पर चर्चा करेंगे और सीधा रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम ग्राउंड जीरो से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नीरज, सबसे पहले तो जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने संबोधन में कहा गया था कि वर्ल्ड लेवल पर जो वर्ल्ड ट्रस्ट डेफिसिट है उसे पूरा करने की जरूरत है। खासकर कोरोना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चीन के लिए संदेश है और संकेत भी। भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया चीन का, कोरोना के बाद जिस तरह से दुनिया का अविश्वास बढ़ा है और खासकर चीन पर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर दूसरी समस्याओं की तुलना में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना था कि इस अविश्वास को कम करना है और जब कोरोना पे चुनौती पाई जा सकती है, कोरोना को हराया जा सकता है, तो अविश्वास के संकट पर भी विजय पाई जा सकती है, विश्वास के संकट को भी हराया जा सकता है। तो चीन को एक संदेश है ऐसे मंच से जहां अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के तौर पे बहाल कर दिया गया है G20 के, और G20 का
कि अब सदस्य संख्या जो है 20 से बढ़कर 21 हो गई। अब देखना होगा कि जब कॉमनिक यानी दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होगा तो उसमें और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं होती हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया नीरज, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे भारत मंडपम से। इस वक्त मेरे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे हैं, वहां की तमाम गतिविधियों पे वो निगाहें बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने जिसपे दुनिया की निगाहें हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर जब ऋषि सुनक ब्रिटिश काउंसिल पहुंचे थे और वहां पर तमाम बच्चों से मुलाकात की थी, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट ये आया था, ये वो बच्चे हैं जो कि ब्रिटेन और भारत के बीच में जो ब्रिज है उसे बनाने का काम करेंगे। वहीं फुमियो किशिदा जब भारत पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, और इटली से जब जॉर्जिया मेलोनी आई थी तो उनके स्वागत की तस्वीरें हैं, और साथ साथ ओलाफ शोल्ज की भी तस्वीरें। G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान जो बाइडेन ने G20 में भारत के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कदम रखते ही जो बाइडेन ने भारत की जमकर तारीफ की। हेलो दिल्ली, इस साल G20 का भारत में होना बेहद अच्छा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रपति बाइडेन का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद बाइडेन अपनी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली कार में बैठकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जिगरे दोस्त बाइडेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दो महाशक्तियों के महामिलन की तस्वीरें पूरी दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान और चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार भारत आए हैं, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी से जो अपनापन मिला उससे वो भी भारत की मेहमान नवाजी के मुरीद हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की बैठक से पहले मोदी से मिले, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। ये बैठक कई मायने में काफी खास रही। दोनों देशों ने रक्षा समझौते को मजबूत करने पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों देशों की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें भारत और अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। साथ ही अमेरिका ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। बाइडेन ने MQ-9B ड्रोन देने पर भी सहमति जताई, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना खुफिया जानकारियां जुटाने और निगरानी के लिए कर सकेगी। इतना ही नहीं, बाइडेन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए भारत को बधाई भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच क्वाड संगठन की मजबूती पर जोर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने बाइडेन को क्वाड सम्मेलन 2024 के लिए न्योता भी दिया। बाइडेन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही। हमने कई विषयों पर चर्चा की जिसमें भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों की दोस्ती विश्व कल्याण में अहम भूमिका निभाएगी। G20 की मीटिंग से पहले मोदी और बाइडेन की इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, जिसका फायदा दोनों देशों के साथ साथ पूरे विश्व को मिलेगा।
और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात से जुड़ी हुई खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच करीब एक घंटे तक हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का अमेरिका ने समर्थन किया। भारत पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन हर बार वीटो लगाकर अड़ंगा लगा देता है। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका ने भारत का समर्थन करके चीन को आईना दिखा दिया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य भारत लगातार बनने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में जो बाइडेन का ये समर्थन कहीं ना कहीं बड़ी चोट है चीन पर।